नमस्कार, असमादित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। डिब्रूगढ़ में बंदरगाह, जहाज, जल परिवहन और आयुष दफ्तर के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। शहर के जागृति हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री जी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति के बारे में अवगत किया। डिब्रूगढ़ में बंदरगाह, जहाज, जल परिवहन और आयुष दफ्तर के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को गति देने के लिए 13 अक्टूबर को गति शक्ति योजना की शुरुआत की थी। राज्य समूह को लगत लई ऐक्यबद्ध भावे याक सफल दियार प्रयास करा होसे। यार पूर्वते केतियो एने धरणर परिकल्पना हातत लवा नासिल। आपनालिके देखिसे जे आगते आकु एकटा विभागे निजाबबिया कय एकु एकटा परिकल्पना हातत लय आरो ताक रूपायण करे। আকো অন্যতা বিভাগে যেতিয়া তেখেতসকলৰ বিভাগীয় দৃষ্টিভংগীৰে এটা পৰিকল্পনা বা এখন আঁচনি যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যায় তাতে কনফ্লিক্ট জোন ডেভেলপ হয়। অৰ্থাৎ আপোনালোকে দেখিছে ডিব্ৰুগড় চহৰতে বা গুৱাহাটীতে পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত আকৌ ৱাটাৰ ছাপ্লাই তাত পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে পাইপলাইনটো আকৌ ৰাস্তাটো খান্দিব লগা হয়, আকৌ কেবল নেটৱৰ্কৰ কাৰণে খান্দিব লগা হয়। এনেধৰণে বিভিন্ন বিভাগবিলাকৰ মাজত সমন্বয় নথকাৰ বাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে কাম করার পরিকল্পনা নথকার বাবে তেনে ধরনের অনাহকত রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ ব্যয় হয়েছিল, সময় ক্ষতি হয়েছিল আর ফলত প্রগতিত বাধা হয়েছে। 16 মন্ত্রালয় এক সাথ মিলকর কাম করেঙ্গে, ভারত দুনিয়া মে বিকাশ কি গতি কো তেজ করেগা। मंत्री जी ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए ये भी कहा कि इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक कनेक्टिविटी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इस योजना में राज्यों को भी शामिल किया जाएगा। विभाग के आक्षेप के कारण प्रगति बाधित हुई थी, लेकिन अब 16 विभाग मिलकर समन्वित तरीके से काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह योजना 130 करोड़ जनता के लिए शुरू की है। साथ ही केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस के दिनों में इस तरह की एकजुट और अनुशासित योजना नहीं अपनाई गई थी। अक्टूबर 30 वाज द ऑस्पिशियस डे ऑफ अष्टमी, द डे ऑफ वर्शिपिंग शक्ति। On that auspicious occasion, speed of nation progress also gets new shakti through launching of an ambitious initiative, Prime Minister Gati Shakti. Prime Minister Gati Shakti is an extension of holistic governance. This Master Plan will give impetus to 21st century India. We all know that on India's 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi ji announced that the center will launch a rupees 100 lakhs crore project for developing holistic infrastructure in the country. PM Gati Shakti launch on 13th October is the outcome of that announcement. It is a national master plan for multimodal connectivity with a primary objective to end decades of bureaucratic entanglement and working in silos when it comes to infrastructure project. News desk report, Asamaditya. अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को क्वालिफाई करने वाले अग्रणी शिक्षण संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट की सफलता का ट्रेंड जारी है। हाल ही में घोषित जेईई एडवांस परीक्षा में संस्थान के 3 छात्र छात्राओं ने सफलतापूर्वक पास किया है।
अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को क्वालिफाई करने वाले अग्रणी शिक्षण संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट की सफलता का ट्रेंड जारी है। हाल ही में घोषित जेईई एडवांस परीक्षा में संस्थान के 3 छात्र छात्राओं ने सफलतापूर्वक पास किया है। इसके साथ ही तीनों छात्रों को देश के अग्रणी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तीनों छात्रों ने संस्थान में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर आज आकाश इंस्टीट्यूट में आयोजित एक गंभीर समारोह में संस्थान की ओर से हार्दिक बधाई दी गई। आकाश इंस्टीट्यूट ने अपने पिछले गौरव को जारी रखने में सक्षम होने के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज के इस अभिनंदन समारोह में शिक्षक, शिक्षिका, छात्र छात्रा एवं अभिभावकों ने भी भाग लिया था। মানে আমাৰ ইয়াত কোচিঙৰ মানে বৰ এটা মানে কথা শুনা নাছিলোঁ। এতিয়া এইচ এছ এল চি হ'ল, এতিয়া লাহেকৈ জে ই চেই অকণমান কথা গম পালোঁ। তাৰপিছত কোচিং ইনষ্টিটিউট, তাৰপিছত চব আমাৰ ইয়াত মানে সবতছে ভাল আকাশ ইনষ্টিটিউটে আছিলে। আৰু মই আগতেও মানে ইয়াত ক্লাছ 9ৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ কৰি থৈছোঁ ডিজিটেলি। চ' মই ইয়াতে ভাল বুলি ভাবিলোঁ ল'বলৈ। তাৰপিছত তেতিয়া ল'লোঁ। তাৰপিছত টিচাৰ্ছবোৰৰ পৰাতো সদায় ছাপৰ্ট পালোঁ একদম লাষ্ট মমেণ্টলৈকে। চ' সেইফালৰ পৰা ফেকাল্টিক বুকছ চব আকাশে যি প্ৰভাইড কৰিলে সেয়াই মই কৰিয়েই মানে ইমানখিনি পাইছোঁ। এক্সট্ৰা বুক খুব কম কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আকাশৰ বুকতে মানে এগ্ৰিগেট কৰি থয় মানে বিভিন্ন বুকৰ চামছবোৰ। আৰু এতিয়া নেক্সট এতিয়া কাউন্সিলিঙত যিখনে কলেজ পাওঁ তাৰপিছত হায়াৰ ষ্টাডিজ হওক বা হেৰি হওক, সেইটো পিছত ডিচিজন কৰা যাব। আৰু বৰ্তমান কলেজ ল'বলৈ হেৰি। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असमादित्य। विजयादशमी की खुशी के बीच लखीमपुर में एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। विजयादशमी की खुशी के बीच लखीमपुर के ओहाट में भयानक सड़क हादसा घटित हुआ। देवी को विसर्जित कर लौटते समय नेशनल हाईवे 15 पर कलवर्ट में धक्का लगने के कारण पल्सर बाइक पर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए युवक की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। युवक के पास से बियर की बोतल बरामद की गई है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक का नंबर है AS07L4493। लखीमपुर से राहुलुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।